कोई भी करियर परफेक्ट नहीं है। आपने करियर चूज कर लिया है, उसकी नेगेटिव साइड भी है, तो जितना आप उसकी नेगेटिव साइड को देखोगे आपको लगेगा यार इस काम में कुछ नहीं पड़ा है, मैंने अपने 4 साल खराब भी कर दिया, उसके बाद भी कुछ होने वाला तो है नहीं, तो इससे अच्छा अभी छोड़ दो, अभी मत करो। अब आप क्या कर सकते हो, उसी करियर से रिलेटेड कुछ ऐसे लोग होंगे जो बहुत सक्सेसफुल हैं, उनको देखो। किसी भी बिजनेस में, किसी भी करियर में, इसको ध्यान से समझना, कुछ पड़ा नहीं होता है। आप समझ गए, आपको कोई सोने की खान नहीं मिलने वाली है, कहीं से भी खोदनी पड़ती है। किसी करियर में कुछ पड़ा नहीं है, हमारे ऊपर है उस करियर को हम किस लेवल तक ले जा सकते हैं। तो ये नजर है, देखो जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या लाइफ में कुछ बड़ा कर जाते हैं, उनकी नजर औरों से अलग होती है, बिल्कुल अलग होती है। और लोग क्या होते हैं, वो यही सोचते रहते हैं कि कहीं कुछ बड़ा आएगा तब मैं कुछ बड़ा कर पाऊंगा, वो ये नहीं समझ पाते हर बड़े की शुरुआत छोटे से होती है। तो डेस्टिनी की बातें अगर वो आदमी करे जो अपनी तरफ से अपना 100% लगा रहा है, तो बिल्कुल सही है। मैंने अपनी तरफ से अपना 100% लगा दिया, उसके बाद जो हुआ वो तेरे हाथ में। मतलब कि उसको आप डेस्टिनी कहो, भगवान कहो, अल्लाह कहो, कुछ भी बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कुछ करो ही ना और बोलोगे मेरी किस्मत ही खराब है, ये क्या है, ये बेवकूफी। लेकिन लॉन्ग टर्म में जिस बंदे के अंदर दम होगा, डेस्टिनी उसके पीछे पीछे चलेगी। मेरे साथ कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं अपनी तरफ से हर कर्म पे अपना 100% डालता हूं। मैं राइट, नंबर एक। नंबर दो, अगर मैं कभी किसी के साथ में गलत नहीं करता, तो मेरे साथ में कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। दैट इज द कॉन्फिडेंस दैट यू नीड टू हैव। लग सकता है देख करके कि मेरे साथ में कुछ गलत हो रहा है, लेकिन मेरे साथ में गलत हो नहीं सकता। पूरी दुनिया को लग सकता है कि मेरे साथ में कुछ गलत हो रहा है, इस बार तो मुझे भी लग सकता है कि मेरे साथ में गलत हो रहा है, लेकिन अंदर तक मुझे पता है कि मेरे साथ में कुछ भी गलत हो नहीं सकता।